नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आपको बताऊंगा कि एडोबी फोटोशॉप के अंदर हम लोग जो पोस्टर डिज़ाइन करते हैं, अगर उसका साइज हमें फुट में लेना है, 4 फुट बाई आपका 6 फुट का साइज लेना है, तो कैसे लेंगे। जनरली क्या होता है, एडोबी फोटोशॉप के अंदर फुट का मेज़रमेंट हमें तो दिखता नहीं है। जैसे यहाँ पे फाइल में अगर जाते हैं हम लोग, न्यू में क्लिक करते हैं तो न्यू का डायलॉग बॉक्स आ जाता है और नया एक पेज लेना चाहते हैं, और यहाँ पे जब अपना साइज हमें लेना होता है तो प्रीसेट में जाते हैं और यहाँ कस्टम चूज़ करते हैं। तो जनरली क्या होता है, जब कस्टम लेते हैं तो यहाँ पे जो साइज हमें दिखता है वो आपका या तो यहाँ पे पिक्सल में दिखेगा, इंचीज में दिखेगा, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, पॉइंट्स में, कॉलम्स में, ये सब में दिखता है, लेकिन कहीं भी आपको फुट नहीं मिलता है। लेकिन जब हम लोग डिज़ाइन वगैरह करते हैं तो या जो ऑर्डर मिलता है वो हमें फुट में या फीट में डिमांड किया जाता है, भाई 4 फुट बाई 6 फुट का अगर पोस्टर डिज़ाइन करना है तो कैसे हम लोग साइज लेंगे, ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग मैटर है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लेंगे, वो भी फोटोशॉप के अंदर। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम लोग फुट को क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, विड्थ है 4 फुट, याद रखिएगा विड्थ हमें 4 फुट लेना है, हाइट हमें 6 फुट लेना है। मतलब विड्थ मतलब चौड़ाई, जो ये चौड़ाई है, और हाइट मतलब ये लंबाई हमें लेना है 6 फुट। तो जैसे हमें सभी को पता है कि 1 फुट में आपका 12 इंचज़ होता है, याद रखिएगा 1 फुट के बराबर होता है 12 इंचज़। तो ये जो फुट में जो साइज हम लोग यहाँ पे है 4 फुट बाई 6 फुट, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, इंचीज में कन्वर्ट करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरह देखिए, 1 फुट के बराबर 12 इंचज है, तो अगर हमें चौड़ाई लेना है 4 फुट का, तो 4 को हमें क्या करना पड़ेगा, 12 से उसको गुना करना पड़ेगा, तो वो होता है 48 इंचज। उसे इंचज में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है, यहाँ पे 4 गुना 12 करेंगे यहाँ पे, तो 48 इंचज हो जाएगा। उसके बाद हाइट है जो 6 फुट का, उसे भी हम लोग क्या करेंगे, फुट को इंचज में कन्वर्ट करेंगे, तो 6 को अगर 12 से गुना करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 72 इंचज होता है, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 72 इंचज होता है। ये जो 12, फिर से मैं याद दिला दूँ कि 1 फुट के बराबर 12 इंचज होता है, तो 4 फुट को अगर हम लोग इंचज में कन्वर्ट करेंगे तो होता है आपका 48 इंचज। और यहाँ पे अगर 6 को हम लोग 6 फुट को अगर इंचीज में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 6 को 12 से हम लोग ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होता है 72 इंचीज हो जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 48 इंचीज, मतलब ये हुआ चौड़ाई जो है आपका 48 इंच होना चाहिए, और जो हाइट है 6 फुट को अगर इंचीज में करेंगे तो 72 इंचज होता है, मतलब उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उसी तरह पेज फोटोशॉप में जाते हैं हम लोग, और उसके बाद फाइल में जाते हैं, न्यू में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नया नाम दे दीजिए जो आपको देना है, उसके बाद यहाँ से प्रीसेट साइज में हम लोग कस्टम चूज़ करेंगे। और जैसे हम लोग ने मैंने बताया आपको कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, अगर पिक्सल में है ये वाला देखिए, अगर पिक्सल में रहता है तो इसे पिक्सल का ये जो विड्थ है, यहाँ पे जो बॉक्स है पिक्सल का, इसका डाउन बटन पे क्लिक कीजिए और इसे इंचज में चेंज कीजिए, और यहाँ पे चौड़ाई हमें लेना है, या देखिए चौड़ाई हमें लेना है 48, यहाँ पे 4 फुट को अगर हम लोग ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होता है 48 इंचज। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 48 यहाँ पे टाइप कर देंगे, यहाँ पे 48 ये हो गया, 4 फुट हो गया यहाँ पे। उसके बाद उसी तरह हाइट को अगर इंचज में, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी इंचज में चेंज कर दीजिए, और हाइट भी यहाँ पे 48 है, तो यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे हाइट जो होना चाहिए जैसे 6 फुट का है, तो 6 को हम लोग अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होता है 72 इंच होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फोटोशॉप के अंदर यहाँ पे हम लोग 72 इंचज़ कर देते हैं, 72 इंचज़ हो गया। अब देख सकते हैं ये इंचज़ को, मैंने फुट को इंचज़ में कन्वर्ट करने के बाद जो चौड़ाई हुआ 4 फुट का वो हो गया 48 इंच हो गया, और हाइट को अगर हम लोग 6 फुट है तो 6 को अगर 12 से हम लोग गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो होता है आपका 72 होता है इंचज़ हो गया। तो विड्थ हो गया आपका, यहाँ पे हाइट हो गया, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा साइज, यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया, देख लीजिए। यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर इसका साइज देखना चाहते हैं, यहाँ पे न्यू में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे विड्थ हो गया 48 इंचज हो गया, यहाँ पे हाइट हो गया आपका 72 इंचज हो गया, और इंचज में हमें ले लेना है, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। ये मेरा हाई यहाँ पे मेजरमेंट हम लोगों ने ले लिया, इसको आप यहाँ पे फिट ऑन स्क्रीन करेंगे तो बड़ा होगा, यहाँ पे प्रिंट साइज़ कर देंगे तो देखिए इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, एक्चुअल पिक्सल करेंगे बड़ा दिखाई दे रहा है, फिट ऑन स्क्रीन करेंगे तो इस तरह का साइज हम लोग ले सकते हैं। तो ये सिंपल तरीका मैंने आपको बताया
कि विड्थ है, अगर आपको फुट में ही लेना है तो फुट को आपको क्या करना पड़ेगा, इंचेस में कन्वर्ट कर देना होगा। तो एक फुट बराबर 12 इंचेस होता है, तो यहाँ पे देख सकते हो विड्थ जो दिया है 4 फुट का है, तो 4 को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा 48 इंचेस हो जाएगा। और हाइट है जो 6 फुट है, तो जैसे एक फुट में 12 इंचेस होता है तो 6 को हम लोग 12 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होता है 72 इंचेस। बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको फोटोशॉप में जाना है, न्यू में क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको प्रीसेट साइज में कस्टम चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे इंचेस चेंज करना है, चौड़ाई 48 टाइप कर देना है और यहाँ पे हाइट के लिए 6 फुट है तो 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होता है 72 और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। ये मेरा साइज हो गया। उसके बाद आपको जो आपको पोस्टर जो भी आप डिज़ाइन करते हैं उसके बाद आप डिज़ाइन कर सकते हैं एडोबी फोटोशॉप के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग फुट में साइज लेते हैं एडोबी फोटोशॉप के अंदर, और मैंने आपको सिंपल तरीका बताया। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।